पूरा पूरा कपड़ा में अगर नया नया में आज पूरा कपड़ा का मैं सलमान खान को रिज्यूम में। अच्छा आज बड़े जा को रह जाए प्यार हो प्यार जी मैं जा रहा हूं मुंबई बंबई के मायने बंबई और मैं बंबई में जाया हूं फिर था ना हार बताऊं लगाए घर पे जा रही हूं। अच्छा हार बताओ लगे इंटरव्यू देने जा रही जी इंडिया के साथ नौकरी करवा। हां चलो ठीक है चलते हैं मुझके मैडम का ही यहाँ मान लियो ध्यान जी जो टमाटर को बच्चों बैठे हो और मैडम मन देखता ही हीरिया ने देखता ही और पिटता ही कहीं नंबर आया ही क्या को नौकरी को। अच्छा और मैडम हल्को को मीठो मीठो मैडम हीरिया से खेपे लगी कहीं आपसे तीन प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आपने तीनों प्रश्नों के सही सही जवाब दिए तो आपकी नौकरी पेटेंट हो जाएगी। हीरो कहने लगे मैडम पूछिए। हाँ तो बिड़ताई पहली मैडम हीरिया से पूछ पे लगी कहीं। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे। अच्छा हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट। हाँ हीरो कहने लगे मैडम भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सही है ढोलक की थाप फिर मजा को फिर मैडम ही ऐसे दूसरे प्रश्न पूछने लगी कहीं। अच्छा आप ये बताइए कि हमारा भारत देश आजाद कब हुआ। अच्छा हीरो जो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट। हाँ हीरो फिर कहने लगे मैडम पहला प्रयास तो 1857 में किया गया था और भारत आजाद हुआ 1947 में। कहीं बात ये भी सही है फिर मैडम फिर राजी है की। हाँ और मैडम फिर ही ऐसे कहने लगी कहीं। अब मैं आपसे तीसरे प्रश्न पूछती हूँ अगर आपने तीसरे प्रश्न का जवाब दिया तो नौकरी आपकी पेटेंट हो जाएगी। फिर हीरो कहने लगा मैडम पूछिए। हाँ मैडम फिर ही ऐसे पूछने लगी कहीं। अच्छा आप ये बताइए क्या हमारी पृथ्वी गोल है। अच्छा हीरो फिर कहने लगा मैडम वैज्ञानिकों का तो मानना है प्रमाणित नहीं है। हाँ अब था ना कहीं बताऊं ध्यान जी ही जो यहाँ बोल बाहर आयो। अच्छा और मैं भी लुड़का लुड़के की लाइन में लाग रही हूँ। हाँ कोई मेरा कपड़ा लगता तो पकड़ पकड़ खींच रही हो। अरे राम कोई मारी दो तीन पकड़ पकड़ खींच रही हो। हे भगवान मारी हालत और गर्मी के मायने खराब। हाँ और हीरिया ने देखता ही मारी जान में जान आई में हीरिया ने देखता ही खेब लग रही हीरिया काई पूछती है बुआ जी मायने की मायने। फिर हीरो मने खेवे लगे भाईला ये तीन मतम में थारा कान का मायने बोल रही छू। हाँ तू भी चार बोले थारी भी नौकरी लाग जाएगी। अच्छा मैं
हीरिया ने खेबे लगवाया यही बोल लोग बोले या की यही बोल जाओ हाँ। और खेबे मारो नंबर है मैं भी मायने चाल में लगे की बेरुजी महाराज की मैडम चारू पेर से मन देख राजी है अच्छा मारी बॉडी को मुआइनो कर लाग गई बताइए कि आपके दादाजी का नाम क्या है अच्छा मैं मैडम ने खबर लगा भाई मैडम कहीं मुझके दादाजी का नाम तो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू होते फिर मैडम मन देखता ही खबर लगी क्या कहा आपने हाँ मैं मैडम ने फिर खबर लगा भाई मुझे एक ही बार खाला अच्छा फिर मैडम मन देखता ही खबर लगी कहीं अच्छा ये बताइए आपका जन्म कब हुआ हाँ मैं मैडम ने फिर खबर लगा भाई मैडम कोई पहले प्रयास तो 1857 में करे गए और पूरा या जीजी की सगन 1947 के माइन फिर मैडम मन देखता ही खबर लगी लगता है आपका दिमाग खराब हो गया मैं मैडम ने फिर खबर लगा चट से क्यों वैज्ञानिका का तो मानना है लेकिन अब तक प्रमाणित नहीं हुई है और बैठ जी मायने जाता है जो जोर से आवाज़ आप लगी
अपना बैकग्राउंड वाला आवे लगो कहीं है आओ अकड़ पकड़ बम्बा बो मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी किसी गाय भैंस बकरी का दूध नहीं निकाला लेकिन आज इस गाय का दूध निकाल के मैं यह साबित कर दूंगा कि ये $5 करोड़ का इनाम किसी और का नहीं मेरा है मेरा मेरी लंबू झरना की कसम मेरी जिंदगी के सातों सात हाथों की कसम आज इस गाय का दूध निकाल के आइए करतो करतो वो भी मायने बढ़ेगा अच्छा वो भी हमारा बेटा को 5 करोड़ का चक्कर में शूटिंग ना छोड़ता ही और महाभारत का भगवान का बैकग्राउंड वाला आगे लगे कहीं है हे कक्का भैया मुझे शक्ति दे माँ मुझे शक्ति दे मैंने भी आज तक अपनी जिंदगी में कभी किसी गाय भैंस बकरी का दूध नहीं निकाला लेकिन आज मुझे इतनी शक्ति दे माता की इसका गौ का दूध निकाल कर ये 5 करोड़ का पुरस्कार में जीत सकूं आइए करतो करतो वो भी मायने गयो और मायने जाता ही फिर आवाज आपे लगी फिर खाली बाई दीवार वो भी मायने जमा अच्छा फिर गई हो अजी फिर गई हो एक मिनट खा जा रही है मारे अजी उनको बात कहीं हो उनका बात डायरेक्टर साहब फिर कभी लगे नेटेस्ट हाँ और नेटेस्ट बोलता ही नंबर आयो मिठुन चक्रवर्ती को अच्छा और मारा बेटा को मिठुन की आवे लगे हो कहीं है आइया बकरी का दूध कभी जिंदगी में मैंने भी नहीं निकाला लेकिन आज इस गाय का भी दूध निकालूंगा और वो काम करके जाऊंगा जो मैंने कभी नहीं किया मालूम है क्या मैं जिधर भी गया हूं जीत के आया हूं और आज भी जीत के जाऊंगा आज भी जीत के जाऊंगा आइए करतो करतो वो भी मायने गयो और मायने जाता ही फिर आवाज आने लगी फिर खाली बाल्टी बार वो भी मायने जमा डायरेक्टर साहब फिर के मैं लगे नेटेस्ट अच्छा और नेटेस्ट बोलता ही नंबर आयो सदाशिव अमरापुर कर हाँ। वो भी संजय दत्त के साथ महारानी फिल्म की शूटिंग कर रही हो अच्छा लेकिन $5 करोड़ का चक्कर में सदाशिव अमरापुर कर महारानी की ड्रेस में आप और खेपे लगे हो हाँ। बकरी का दूध तो कभी जिंदगी में मैंने भी नहीं निकाला लेकिन आज निकालूंगा आज इसलिए निकालूंगा कि मामला कोई 1 या 2 करोड़ का नहीं ये मामला पूरे 5 करोड़ का है और 5 करोड़ के लिए तो सामने से अगर मेरा अंकल भी आ जाए तो उसका दूध निकाल डालो फिर ये गाय क्या चीज है आइया करतो करतो वो भी मायने गए और मायने जाता है फिर आवाज आने लगी कैसी हो आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मालूम अरे आज इस गाय का दूध मैं भी निकालूंगा सरोरीटा और ये साबित कर दूंगा कि 5 करोड़ इनाम किसी और का नहीं मीठा मीठा सिर्फ मेरा ही होगा जाता ही फिर आवाज़ आने लगी
देता। ये ताकत कोई खून पसीने की रोटी से कमाई हुई नहीं, ये ताकत तो मैंने अपनी दोनों मम्मियों का दूध पिया है। आज इस गाय का दूध निकाल कर मैं साबित कर दूंगा कि 5 करोड़ का इनाम किसी और का नहीं, मेरा है, मेरा। जानती हूँ ना तो मैं जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ, मुझे वादा निभाना आता है और आज इस वादे को निभाकर मैं साबित कर दूंगा। करता करता वो भी मायने गया। अच्छा। और मायने जाता ही फिर आवाज़ आने लगी।